नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के 5 सबसे बड़े खनन उत्खनन मशीनें। ये मशीन्स वेट और बकेट कैपेसिटी के मामले में बेहद शक्तिशाली है। इनकी हाई परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी काम करने वाले लोगों के लिए बहुत प्रयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। Komatsu PC8000 एक विशेष रूप से बड़ा और शक्तिशाली एक्सकेवेटर मशीन है। इसका ऑपरेटिंग वेट लगभग 710 टन है और इसकी बकेट कैपेसिटी 43 क्यूबिक मीटर है। इसका इंजन 2500 हॉर्स पावर तक है, जो इसे एक अनोखा मशीन बनाता है। इसकी हाई परफॉर्मेंस और भरोसेमंद डिजाइन माइनिंग क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। लिब्रहर R9800 हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इसकी वेट लगभग 810 टन है और इसकी बकेट कैपेसिटी 42 क्यूबिक मीटर है। क्या मशीन की हाई परफॉर्मेंस हाइड्रोलिक सिस्टम और प्रभावी इंजन पावर है एक काबिल ए तारीफ मशीन बनती है। इसकी उन्नत प्रौद्योगिकी और भरोसेमंद डिजाइन खन उद्योग में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसे एक शक्तिशाली और प्राकृतिक तरीके से चलने वाला एक्सकेवेटर मशीन माना जाता है। HITACHIEX8000 अगला नंबर है हिताची EX8000 का। ये मशीन करीब 811 टन का वजन रखती है और इसकी बकेट की क्षमता 43 क्यूबिक मीटर है। इसकी हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर और एडवांस टेक्नोलॉजी इससे माइनिंग इंडस्ट्री में एक प्रमुख प्लेयर बनता है। अगला नाम है तेरिच RH400 का। इसकी वजन 980 टन है और इसकी बाल्टी की क्षमता 46.3 क्यूबिक मीटर है। क्या मशीन की असाधारण खुदाई की गहराई और भरोसेमंद प्रदर्शन इसे एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है। हमारी सूची के अंतिम नंबर पर है कैट 6090 FS हाइड्रोलिक फावड़ा। इसकी वजन करीब 980 टन है और इसका बाल्टी क्षमता 52.1 क्यूबिक मीटर है। क्या मशीन का मजबूत डिजाइन और उच्च उत्पादकता खनन उद्योग में इसकी लोकप्रियता का कारण बनता है। तो ये थी हमारी लिस्ट दुनिया के 5 सबसे बड़े माइनिंग एक्सकेवेटर मशीन की। मशीनों की शक्ति और दक्षता काफी प्रभावशाली है और ये खनन उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत सहायक होती है। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।